वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। और आज हमारी बेसिक अरिथमेटिक्स सीरीज में आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम एसआई या आई भी लिखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थ्री टर्म्स आपको याद रखनी है, लेंडर, बोरोवर और लोन। लेंडर क्या होता है बच्चों? वह कोई बैंक भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई एजेंसी हो सकती है जिससे आप पैसे उधार ले रहे हो, ठीक है। बोरोवर जो लेता है, यानी हम हो गए या कोई किसी कंपनी को जरूरत है तो वो हो गए। लोन यानी जो मनी आप ले रहे हैं। फिर कुछ और टर्म्स भी हैं जो भी आपको जानना चाहिए। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर इज नोन एज द प्रिंसिपल और सम। ये याद रखिएगा, लेंडर कर्ज देने वाला, बोरोवर कर्ज लेने वाला, और लोन वह अमाउंट जो आप लेते हैं। प्रिंसिपल की बात करें, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल PAL होता है, ओके। स्कूल वाला प्रिंसिपल, आप वो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल मत लिख दीजिएगा, तो प्रिंसिपल हो गया। इसमें देखिए, द मनी बोरोड बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर इज नोन एज द प्रिंसिपल और द सम। प्रिंसिपल क्या होगा? बोरोवर लेंडर से जो अमाउंट लेगा, यानी जो पैसा लिया है, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या फिर सम, ओके। इंटरेस्ट की बात करें, अब जब आपने पैसा लिया तो क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। जब आप बैंक से पैसा लेते हैं तो आपको वो, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी जो आप पे करते हैं लेंडर को, बोरोवर के द्वारा जो पे करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखा? द एडिशनल और एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर हैविंग यूज दिस मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। यानी हमने क्या किया, उसकी मनी यूज की कुछ टाइम पीरियड के लिए, इसलिए हमको उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसी एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट या फिर ब्याज। अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट दोनों मनी, यानी प्रिंसिपल आपने लिया था, ठीक है, आपने प्रिंसिपल लिया और उसके बाद आपको कुछ चुकाना कितना पड़ा, प्रिंसिपल भी चुकाया और उसका पैसा उपयोग करने के लिए इंटरेस्ट भी चुकाया, तो दोनों का सम क्या होता? अमाउंट। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द टोटल मनी विच द बोरोवर पेस बैक टू द लेंडर एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड द अमाउंट। इसका मतलब हमारा इसी डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। यानी रेट चेंज ना होता। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक साल की बात की और रेट हमने फिक्स कर दिया कि 5% के हिसाब से, ओके, तो वो जो रेट फिक्स हो जाता है यूनिफॉर्मली, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, इट इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। और बच्चों, जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ही समझना है, या इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, दोनों टर्म एक ही है। अब हम बता दें फॉर्मुला कैसे बना इसका। ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो कि हम बार बार यूज करते हैं। देखिए, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक पी है, क्या है? रुपीज पी इज द प्रिंसिपल, पी एक प्रिंसिपल है, और इंटरेस्ट रेट कितनी है उस प्रिंसिपल पर? आर परसेंट पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, एनम का मतलब ईयर, हर साल उस प्रिंसिपल पर कितना रेट लग रहा है? आर परसेंट। देन इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 फॉर वन ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर। बच्चों ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन रेट, इंटरेस्ट रेट आर परसेंट पर एनम का मतलब होता है कि 100 रुपए पर एक साल तक के लिए कितना रेट लगेगा? आर लगेगा। इसका मीनिंग ही होता है। तो हमने इसको क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100 फॉर वन ईयर इक्वल टू रुपीज 100। अब हम बात करें 1 रुपए पर कितना लगेगा एक साल तक, तो क्या करोगे आप? आर अपॉन 100 ये लिख दिया। अब 1 रुपए पर और टाइम पीरियड फॉर एग्जाम्पल हमको नहीं मांग कितने, 2 साल 3 साल 5 साल, कोई टी ईयर्स है, तो टी ईयर्स तक के लिए कितना लगेगा 1 रुपए पर इंटरेस्ट? तो क्या हो जाएगा? आर अपॉन 100 इंटू टी का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यूनिटरी मेथड का बेसिक लग रहा है। देन हम बात करें, अब 1 रुपए भी नहीं, अब हमारे पास कोई पी अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं मालूम कितना है, इससे ज्यादा हो सकता है, तो क्या होगा? 40 इयर्स के लिए आर अपॉन 100 इंटू टी तो था, साथ में पी का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इससे अरेंज कर लिया क्या, पी पहले फिर आर फिर टी और अपॉन 100, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, अ सम ऑफ रुपीज 4000 इज लेंड फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। क्या बोला हुआ है? 4000 रुपए का सम जो अमाउंट है वो 5 साल के लिए ब्याज पर दिया गया, किस रेट से? 15% पर एनम से। बताइए इंटरेस्ट, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा? तो सम यानी कि प्रिंसिपल होता तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज 4000, रेट इक्वल टू 15%, और आपका टाइम पीरियड कितना दिया है? 5 ईयर्स। तो पहला आपको इस तरीके से करते हैं, ये वाला जो आपको समझाया था। तो देखिए यहां लिखा इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 15% पर एनम, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपीज पर एक साल के लिए कितना रेट लग रहा है? 15 रुपीज। इसका मतलब लिख दिया हमने। अब 1 रुपी पर कितना लगेगा? 15 अपॉन 100। अब 1 रुपी पर 5 साल तक के लिए कितना लगेगा? इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 की जगह अमाउंट क्या हो गया? 4000 हो गया, और 5 साल के लिए तो 4000 का और मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? 3000।
यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये वैल्यू लिखिए और जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए पी इन टू आर इन टू टी अपॉन 100, तो क्या होगा, पी की वैल्यू 4000, आर की वैल्यू 15 और टाइम की वैल्यू 5/100, सॉल्व करेंगे क्या हुआ 3000। ये मैंने आपको मीनिंग लिख दिया, बोरोड और लेंट दोनों का मतलब क्या होता है, उधार लेना। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनीता बोरोड रुपीज 400 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2.5 ईयर। अनीता ने क्या किया, 400 रुपए उधार लिए अपने फ्रेंड से किस रेट पर, 12% पर एनम, यानी 100 रुपए पर वो कितना 12 रुपीज हर साल ब्याज देगी, तो 2.5 ईयर तक देना, तो कितना अमाउंट उसको एक्स्ट्रा देना, कितना ब्याज देना पड़ेगा और कितना अमाउंट उसके द्वारा टोटल पे किया गया, यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के। तो हमने सिंपल सी चीजें लिख ली, पी लिख लिया कितना 400, आर कितना है 12% पर एनम और टाइम कितना 2.5 ईयर। बच्चे जब इस तरीके से दिया हूं मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, क्या होगा 2 × 4 + 1 = 5 और नीचे इसका डिनोमिनेटर 5/2 ईयर, इंटरेस्ट निकालना अमाउंट निकालना, तो वी नो डेट इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू रख दीजिए 400 इंटू 12, रेट की वैल्यू 12 और टाइम की 5/2, 2 × 1 = 2 6, जो नीचे 100 था कैंसिल, सॉल्व किया क्या आया 120, तो इंटरेस्ट लग रहा कितना 120, यानी 2.5 ईयर तक उसको कितना पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा 120 प्रिंसिपल के अलावा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दिए, टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ा 520, यानी 400 रुपए उसने उधार लिए और चुकाने कितने पड़ रहा है 520। इसलिए बच्चों उधार कोशिश करें ना ही लें। देन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 एट 6% पर एनम फॉर 146 डेज। अब ये डेज वाला हो गया, अभी तक जब भी हम टाइम की बात करते हो तो ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट में, ओके तो इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या दिया है 1200, रेट दिया 6% पर एनम, टाइम दिया 146 डेज, तो आप जानते हैं एक साल में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, ओके 28 फरवरी वाला। और यदि लीप ईयर की बात करें तो वो 4 साल में एक बार आता है, लीप ईयर यानी 29 फरवरी जिसमें आता तो 366 हो जाएगा, तो हम नॉर्मली यदि कैलकुलेट करते थे 28 फरवरी वाली की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 365, तो हमने क्या किया 146 को 365 से डिवाइड कर दिया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू रख दिया 1200, रेट की वैल्यू 6, टाइम की वैल्यू 146 अपॉन 365, नीचे 100, सॉल्व करिए 144 अपॉन 5 आया या फिर 28.80। अब देखिए कैंसिल नहीं हो रहा था तो हमने क्या किया, अब नहीं होता तो इसके फैक्टर निकाल लीजिए 146 के और 365 के निकाल लिया, इसके क्या है प्राइम फैक्टर 2 × 73, इसका 5 × 73, दोनों में कॉमन क्या आ रहा था 73, यानी 73 टू टाइम चला जाएगा और 73 फाइव टाइम, तो 73 फाइव जाए 73 टू जा, फिर ये 2/5 हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया क्या आया 144/5। यहां तक भी आपका आंसर सही है, यदि आपने डिवाइड करके लिख सकते डेसिमल में तो ये भी आपका आंसर सही है, हमको सिर्फ इंटरेस्ट पूछा था। देन नंबर फोर्थ, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट 2 rupees 900 ईयर्स एट 900 इन 6 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। आपको कितना प्रिंसिपल, ये अमाउंट कितना है 900 दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या होगा यदि 6 ईयर्स में 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो हमको इंटरेस्ट भी फाइंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम, अमाउंट कितना दिया 900, टाइम पीरियड 6 ईयर्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम सबसे पहले मान लेंगे कि प्रिंसिपल नहीं है हमारा, तो हमने पी मान लिया, इंटरेस्ट को आई मान लिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो पी की वैल्यू पी रखी, आर की वैल्यू 10 रखी और टाइम की वैल्यू कितनी है 6, ओके अपॉन 100, तो ये आपका सॉल्व करने पर क्या है, आई इक्वल टू 3/5 पी, क्योंकि पी की वैल्यू क्या थी पी। अब अमाउंट इक्वल टू एक और फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है 900, पी को पी रखा, इंटरेस्ट की वैल्यू 3/5 पी। अब इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो क्या आएगा 5 × p 5p + 3p 8p/5, सॉल्व किया पी की वैल्यू कितनी आई आपकी 225 × 5/2, यानी आई 1125/2, ओके आपने इसको और डिवाइड कर दी तो कितना गया 562.5। अब इंटरेस्ट कितना दिया था 3/5p, हमने से प्रिंसिपल निकाला था निकाल दिया, अब यदि आपको इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि इंटरेस्ट तो पी के फॉर्म में दिया है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ p, तो पी की वैल्यू कितनी दी 1125/2, सॉल्व किया कितना आया, ये आया ₹337.5 आपका आंसर हो गया। नंबर फाइव देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹750 अमाउंट 2 rupees 900 एट 4% पर एनम। अब इसमें हमको टाइम पीरियड निकालना है, जो तो प्रिंसिपल दिया कि 750 जो है वो कितने साल में 900 रुपीज बन जाएगा, यदि आप बैंक में जमा करते हैं 750 और 4% के हिसाब से तो कितने साल में आपका पैसा 900 हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट करना हमको। तो प्रिंसिपल क्या दिया 750, अमाउंट दिया 900, रेट दिया 4% पर एनम, टाइम पीरियड निकालना है, तो हम जानते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके तो यहां से देखिए अमाउंट भी दिया था प्रिंसिपल दिया था तो इंटरेस्ट निकल आएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना दिया 900, प्रिंसिपल 750, सॉल्व किया कितना आ गया 150। अब इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है आप जानते क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो वैल्यू रख दीजिए इंटरेस्ट की 150, पी की वैल्यू कितनी आपकी
750, आर की वैल्यू कितनी है 4, और टाइम पीरियड हमको निकालना है अपॉन। अब टी की वैल्यू निकालने को तो आप जानते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी उसके साथ जो भी रहता है वो नीचे आ जाएगा, तो देखिए 750 इंटू 4 नीचे आ गया और बाकी ऊपर चला जाता, तो 150 इंटू 100 ऊपर चला गया। सॉल्व किया क्या आया 5x, यानी आपको 5 साल में आपका पैसा 750 से 900 होगा 4% के हिसाब से। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।